आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो आप Facebook पे डालते हैं और आपकी Facebook वीडियो पे जो है ना 2-4 व्यूज जाके रुक जाते हैं, आपकी वीडियो पर व्यूज ही नहीं आते हैं। तो मैं तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का। अगर आप सही तरीके से वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे और आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है, और जब वीडियो वायरल होगी तो आप Facebook से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बट मैं आज आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है किस तरीके से Facebook पर वीडियो अपलोड किया जाता है। सही तरीका, सही प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं किस तरीके से आपको Facebook पर वीडियो अपलोड करनी है, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल भी होगी और आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, और जब व्यूज आएंगे तभी तो आप Facebook से पैसा कमा पाएंगे। यहां पर मैंने अपना Facebook ओपन कर लिया, ठीक है। आपके सामने यहां पर क्या है, प्लस आइकन का ऑप्शन आता है, ये प्लस वाला, ठीक है। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्टोरी का, और यहाँ रील और लाइव का, ठीक है। बट आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे मान चलो यहाँ पे मुझे पोस्ट करनी है, फोटो पोस्ट करना है या वीडियो पोस्ट करनी है, तो सिंपली आपको पोस्ट वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, वीडियो पोस्ट, ठीक है। बट आपने जो वीडियो YouTube पे अपलोड करी थी और जो टाइटल उसमें रखा है ना, वही टाइटल वहां से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे टाइटल डाल देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही टाइटल डाल दिया। अब आपको करना क्या, आपको यहाँ पे अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है गैलरी में से, जो वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाइटल भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मेरी वीडियो भी आ गई। बट यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एडिट नहीं करना है, आपको यहाँ पे और भी कुछ भी यहाँ पे एडिट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करनी है तो यहाँ पे ऑन कर लेंगे, बट यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे पब्लिक ही रहने देना है, क्योंकि आपको वीडियो जो अपलोड करनी है ना Facebook पर, पब्लिक पे ही करनी है। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सोचें कि थंबनेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपका थंबनेल यहाँ से ऐड नहीं होगा, आप थंबनेल नहीं लगा सकते Facebook वीडियो में डायरेक्ट, ठीक है। आपको करना क्या होगा, थंबनेल लगाना है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ से थंबनेल लगाना सीख सकते हैं, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र से आप थंबनेल लगा सकते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे आप लोकेशन डालना चाहे लोकेशन डाल सकते हैं, या मान चलो किसी को फ्रेंड को अपने टैग करना चाहे तो टैग कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। आपको करना क्या, सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे ग्रुप वाले पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो है ना यूट्यूब से रिलेटेड जो ग्रुप होंगे, यहाँ देख सकते हैं कितने कितने मेंबर होंगे, यहाँ देखते हैं कि मनोज देव फैन का है तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1200 है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप 2-4 के यहाँ पे ग्रुप सेट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ, तो एक यहाँ पे ये मनोज दे वाला भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक आ गया मनोज दे का, ये वाला ग्रुप सेट कर लिया। यहाँ पे 3 ग्रुप आपके ऐड हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 ग्रुप ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो उनके सबके सामने जाएगी, और सबके सामने जाएगी तो आपकी वीडियो यहाँ से शेयर हो जाएगी। वैसे आपको वीडियो शेयर नहीं करनी है, बट ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप से जो होते हैं ना आपके व्यूज आएंगे, और जब मान चलो इंगेजमेंट सही आने लगेगा ना तो आपकी वीडियो यहाँ से वायरल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2-3 ग्रुप सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये वाला कर लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2-4 ग्रुप ऐड कर लेने हैं, यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप ऐड कर लिए। अब मैं बैक कर लूंगा, आपके सामने यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको करना क्या है, जब पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको सिंपली पोस्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोस्ट पे क्लिक कर दिया, बट आपको यहाँ पे ही बस यही चीज समझनी है, आपको यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू रखनी है, यहाँ पे वीडियो को काटना नहीं है। आप सोचते होंगे यहाँ पे काट देते होंगे, ये यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे रील अपलोड करेंगे, रील बनाएंगे इसी वीडियो में से, तो आपकी वीडियो से यहाँ से डायरेक्ट ही मतलब रील पे से और डायरेक्ट आपकी लॉन्ग वीडियो पे आ सकता है, यहाँ से आपकी वीडियो वायरल होने में और आपकी वीडियो पर व्यूज आने में चांसेस होते हैं। फेसबुक पे जो है ना कोई भी ट्रिक ऐसी लगा नहीं सकते हैं आप, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए और व्यूज ज्यादा आ जाए, बस एक यही ट्रिक है जो फेसबुक देता है, ठीक है। इस ट्रिक से आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है और व्यूज भी आएंगे, और जब वायरल होगी तो मैं तो आप यहां से पैसा भी कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहां पे जो है ना आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहां पे आपको एग्री पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पे एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। मतलब पोस्ट तो हो रही लगी, जो हमने बड़ी वीडियो डाली थी वो पोस्ट हो गई। अब यहां पे देख सकते हैं ये वाली वीडियो हमारी आ गई बन के, ये होगी हमारी रील। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइटल लिख देना है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ, ये वाला जो टाइटल था मेरा वही टाइटल मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ उसमें से आधा, ठीक है। यहाँ से मैं काट देता हूँ इसको, मतलब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इतना ही टाइटल रहने देना है, यहाँ से बस ये वाला टाइटल मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस आपको यहाँ पे हैशटैग लगा देने हैं, जो भी लगाना चाहें, जैसे अपना फेसबुक आईडी का जो भी आप हैशटैग लगाना चाहें, यूज करना चाहें, तो यहाँ पे मैं 2-4 हैशटैग लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक से रिलेटिव जो भी होंगे रील के, तो यहाँ पे हम 2-4 हैशटैग लगा लेते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे हम एक हैशटैग रील्स डाल देंगे खाली,
रील्स, ठीक है। बस हमने यहाँ पे दो या तीन हैशटैग लगा लेंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया रील्स वीडियो, और यहाँ पे लास्ट तीन टैग लगा लें आप जो भी लगाना चाहें, यहाँ पे हैशटैग, ठीक है, बस रील्स। तो यहाँ पे मेरे तीन टैग हैं, तीन हैशटैग हो गए। बट आपको यहाँ पर करना क्या है, क्या यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमारा टाइटल तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको टैग भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन पे भी सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टैग कर देना है, किसी को करना चाहें तो यहाँ पे दो एक फ्रेंड को आप टैग कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और यहाँ पे, ठीक है, इन तीन जनों को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया, दो तीन जनों को आप यहाँ पे टैग कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। और टैग करने के बाद यहाँ पे आप लोकेशन डालना चाहें तो लोकेशन एक ही बार में यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्री जो भी हो आपकी, मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको भी इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है, यहाँ पे मैंने इंडिया कर दिया। और करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, ये रहा, ठीक है, आपको यहाँ पे जरूर देख लेना, कंटेंट यूर रील्स टू ए वीडियो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ देख लेना है आपका यहाँ पे ऑन है या नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर मान चलो आपकी कोई रील्स देखता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है, आपकी रील्स वायरल हो गई, ये वाली रील्स आपकी वायरल हो गई। अब क्या होगा, ये रील देख रहा है, अब रील पे से देखते देखते अगर ये पूरी वीडियो देखना चाहेगा तो आपकी जो है ना वीडियो पे बाज कर सकता है, ये पूरी लंबी वीडियो लॉन्ग वीडियो को बाज कर सकता है, रील पे से जो है ना लॉन्ग वीडियो पे जा सकता है, और यहाँ से जो आपकी लॉन्ग वीडियो भी वायरल होगी और रील भी वायरल होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑन कर दें, यहाँ पे ये पहले से मेरा ऑन है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना, आपकी यहाँ पे रील भी अपलोड हो जाएगी। बस इसी तरीके से आपको काम करना है, यहाँ पे यही तरीका है वीडियो को वायरल करने का और वीडियो को अपलोड करने का, ये सही तरीका है फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने का, और यहाँ पे आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे और आपकी वीडियो वायरल भी होगी। अगर आप इसी तरीके से काम करते हैं ना तो करते रहिए, यही सही तरीका है वीडियो अपलोड करने का और वीडियो को वायरल करने का। तो मेरे तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बातें कंप्लीट तरीके से समझ में आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।